दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार बैंको करियर एकेडमी सीकर से। आज अपन जो है वो एक नया टॉपिक जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस, उस पर कुछ क्वेश्चनों की जो है अपन चर्चा करेंगे जो आजकल एग्ज़ाम में जो है वो काफ़ी पूछे जा रहे हैं। जैसे आपकी बैंकिंग की एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी की एग्ज़ाम हो, चाहे आपकी पटवारी की एग्ज़ाम हो, कोई भी स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है उसमें इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो काफ़ी पूछे जा रहे हैं। तो उन पे जो है अपन चर्चा करते हैं और इस क्वेश्चन को अपन किस तरीके से जो है वो दो तीन तरीके से जो है वो इसको सोल्व कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो अपन देखेंगे। और इसी के साथ जो है वो आज एक क्वेश्चन अपन लेते हैं अभी। क्वेश्चन इस प्रकार है, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह उसे 10% कम में खरीदता हो तथा ₹3 अधिक में बेचता हो तो उसे 25% का लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ये बात आपसे पूछी गई है और इस क्वेश्चन को जो है वो अपन दो तीन तरीके से करते हैं। पहले बात को समझते हैं आराम से और उसके बाद जो है अपन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आपको बोला गया एक व्यापारी अपनी वस्तुओं को 10% के लाभ पर बेच रहा है। कितने परसेंट के लाभ पर बेच रहा है? 10% के लाभ पर बेचता है। तो देखो ये बात आपको समझनी होगी, अगर 10% लाभ पर बेच रहा है इसका मतलब कोई वस्तु जो है वो अगर उसका क्रय मूल्य 100% है अपने आप में, तो आप ये बोलेंगे इसका जो SP होगा वो SP 10% के लाभ पर आप बेच रहे हो। हमेशा लाभ की गणना अपन CP पे करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे करते हैं। तो आप देखिए जब कोई वस्तु जो है वो अपने आप में उसका CP 100% है, आप उसको 10% के लाभ पे बेच रहे हो, इसका मतलब तो आप CP से कितने परसेंट ज़्यादा पे बेचेंगे उसको? 10% ज़्यादा पे बेचेंगे। तो आप बताइए जब 100 का मैं 10% निकालूं तो वैल्यू आएगी 10, तो आपका SP जो बनेगा वो SP कितना बन जाएगा? 100% प्लस 10% प्रॉफिट, तो SP जो बनेगा वो कितना बन जाएगा? 110%, ये आपका SP बनेगा। अब देखो क्वेश्चन में ये कंडीशन इसने डाल रखी है, आपको बोला जा रहा है यदि वह 10% कम में खरीदता हो, मतलब अगर वो उसको 10% क्या खरीदता हो? कम में। अभी कितने में खरीद रहा है वो? 100% आपको बोल रखा है भाई, 100% अभी आपको बोला जा रहा है कि वो 100% में उसको खरीद रहा है। अगर वो उसको 10% कम में खरीदता है इसका मतलब 100 का 10% 10 कम में खरीदेगा तो उसका नया जो SP होगा वो क्या बनेगा? आपको बोल रहा है कि वो 10% जो है वो इसको कम में खरीद रहा है, तो बताइए जब अभी वो 100 में खरीद रहा है 10% कम में खरीदेगा तो कितने में खरीदेगा वो इसको? 90% में। और आपको बोला जा रहा है अगर वो उसको ₹3 अधिक में बेचता है तो उसको 25% का क्या होता है? लाभ होता है। तो आप बताइए जब ये वाला आपका पुराना SP दे रखा है, ये वाला आपका CP दे रखा है, ये आपका नया SP, मतलब आपको जो है वो यहाँ पे ये नया CP है आपका, ये नया क्या है? CP है, नया CP। और अगर आपको नया SP निकालना हो तो आप जो है वो सीधा सीधा ये बोलेंगे CP पे आप अगर उसको ₹3 ज़्यादा में बेच रहे हो तो आपको 25% का लाभ हो रहा है, तो 25% का लाभ हो रहा है तो 90 का 25% निकाल कर अगर मैं इसी में ऐड कर दूं तो वो आपका क्या बन जाएगा? SP बन जाएगा। तो देखिए 90% आपको दे ही रखा है, अगर वो 25% के लाभ की बात कर रहा है तो मैं इसका 125 बटे कितना निकाल दूं? 100 निकाल दूं, तो ये आपका नया SP आ जाएगा। तो आप बताइए पहले आपका जो पुराना SP था वो 110% था, नया SP जो आ रहा है इसको अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। आप इसको 25 से कैंसिल आउट करोगे तो ये तो 5 बार होगा और ये कितनी बार हो जाएगा? 4 बार, ठीक है। और आप 90 को 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपकी वैल्यू आएगी 450। 450 को 4 से डिवाइड करें तो 450 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू जो आएगी वो 400 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 100 आएगा, और 50 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 12.5। तो आपका 100 प्लस 12 कितना हो गया? 112.5%। देखो पहले वाला SP जो आपको दे रखा था वो आपका 110% था, नया वाला SP आ गया आपका 125%। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने क्या किया, उस वस्तु को 10% तो कम में खरीदा है और कितने रुपए ज़्यादा में बेचा है? ₹3 ज़्यादा में बेचा है। इसका मतलब ये हुआ जब ये 110% से 112.5% आपको दे रखा है तो ये इसलिए हो गया कि आपने इसको कितने रुपए बढ़ा दिया? ₹3 बढ़ा दिया। तो आप बताइए
जब 110% वाली वैल्यू ये दे रखी है, 112% वाली वैल्यू ये दे रखी है, दोनों का मैं डिफरेंस करूँ, एसपी का डिफरेंस करूँ, तो आप डिफरेंस करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 112.5% माइनस 110%, और दोनों का डिफरेंस अगर मैं कर रहा हूँ इसका मतलब आपको पहले 10% के लाभ पे बेच रहे थे, अगर आपने इसका एसपी 3 रुपये बढ़ा दिया तो अभी वो 112.5 बन गया, इसका मतलब दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो कितने रुपए आएगा, 3 रुपये आएगा। तो आप बताइए परसेंटेज में डिफरेंस कितना है इसका, परसेंटेज में डिफरेंस 112.5 माइनस 110, तो परसेंटेज में डिफरेंस आपका आया 2.5%, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 3। आपको तो इसका सीपी निकालना है, तो सीपी कितना परसेंट दे रखा है, 100% दे रखा है, तो बताइए जब सीपी 100% दे रखा है इसका मतलब 2.5% का मान 3 दे रखा है, तो आप बताइए जो 3 दे रखा है वो तो 2.5 का मान है, आपको तो कितने का मान निकालना है, 100 का निकालना है, बताइए 2.5 इसका पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर आपकी वैल्यू 0 आ जाएगी, 25 से 100 को कैंसिल आउट करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 4, एक 0 और दे रखा है तो 40, और 40 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका मान कितना हो जाएगा, 120। तो आपका जो सीपी बनेगा यहाँ पे वो सीपी कितना बन जाएगा, 120 रुपये। तो कहने का मतलब ये क्वेश्चन जो आपको दे रखा है इसको अगर अपन बेसिक तरीके से करें तो इस तरीके से जो है वो अपन इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, क्वेश्चन जो है वो आराम से आपका जो है वो क्लियर हो जाएगा पूरी बातें, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में जो है वो आपको, पहली बात तो ये है कि आपको जो है वो हर एक क्वेश्चन में ट्रिक ही नहीं देखनी है आपको, कई बार जो अपन क्वेश्चन पे जो है वो ये देखते हैं कि क्वेश्चन जो है वो जल्दी सॉर्ट आउट कैसे हो जाए, पहले आप इसका बेसिक समझें उसके बाद जो है वो आप इसके ट्रिक्स पे जाएं। तो बेसिक समझेंगे तो देखो इसका पूरा बेसिक फंडामेंटल जो आपको दे रखा है वो ये दे रखा है, और इसी क्वेश्चन को जो है वो अपन एक तरीके से और सॉल्व करते हैं, ये बात शायद उम्मीद है आपको समझ में आई होगी, और इस क्वेश्चन को जो है वो आप आराम से पहले खुद निकालें एक बार, आप चेक भी कर लें इस तरीके से, उसके बाद जो अपन देखो आगे थोड़ी सी चर्चा इस पे एक टाइप पे अपन और करते हैं, और यही टाइप जो है वो इसी क्वेश्चन पे मैं लेता हूँ, सॉल्यूशन आपने देख लिया होगा, तो चलो आगे इसी का जो है वो अपन एक टाइप और ले लेते हैं, और क्वेश्चन आपका यही है, बस सॉल्यूशन अपने को देखना है कि सॉल्यूशन अपन किस तरीके से इसका कर सकते हैं। देखो आपको क्वेश्चन ये दे रखा है और क्वेश्चन आपके सामने आपने पढ़ भी लिया होगा, आपको बोला जा रहा है कि एक व्यापारी अपनी वस्तुओं को 10% के लाभ पे बेचता है, तो बताइए जब एक व्यापारी अपनी वस्तुओं को 10% के लाभ पे बेचता है इसका मतलब, ये बात तो मैं आपको समझा ही चुका हूँ कि सीपी जो आपका दे रखा है अगर वो 100% है तो आप ये बोल रहे हो कि वो 10% पे इसके लाभ पे बेच रहा है, इसका मतलब इसका एसपी जो बन रहा है वो एसपी बन रहा है कितना, थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ इसको, एसपी जो बन रहा है वो एसपी कितना बन रहा है भाई, 110%। ठीक है, आपको बोला जा रहा है कि आप उसको 3 रुपये अधिक में बेचते हो, आप इसको 10% कम में खरीदते हो और 3 रुपये ज़्यादा में बेचते हो, तो आपको 25% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, बात देखना 25% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब तो ये हुआ ना अभी आप इसको बेच रहे हो 10% के लाभ पे, अगर आप 3 रुपये ज़्यादा में बेचोगे तो वर्तमान स्थिति तो ये आ रही है भाई, पहले तो आप 10% के लाभ पे बेच रहे थे तो 110 पे ही बेच रहे थे, अगर आपने उसको 3 रुपये ज़्यादा में बेच दिया तो आपका एसपी बन गया 110% प्लस 3, ये कौन सा है, बाद वाला, ये बाद वाला एसपी आपका, लेकिन आपको बोला गया कि आप इसको 10% जो है वो कम में खरीदते हो और 25% का आपको लाभ होता है, बताइए जब 10% कम में खरीदते हो तो ये बात तो आप समझ ही चुके हैं, 100 रुपये की वस्तु 10% कम में खरीदेंगे तो वो आप 90 में खरीदेंगे, और आप इसको 25% के लाभ हो रहा है आपको, मतलब इस पे 25% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब इसका जो एसपी बन रहा है वो 125/100 बन रहा है क्या, तो आप बताओ ये नया वाला एसपी है क्या, और ये भी कौन सा है, नया वाला एसपी, दोनों को अपन क्या रख दें, इक्वल रख दें, ये मान आपका बन जाएगा यहाँ पे, आप बताइए कि 110, ये परसेंट से परसेंट तो आपका कट ही जाएगा यहाँ पे, ये आपकी वैल्यू दे रखी है 110%, और यहाँ पे जो है वो आपको दे रखा है कितना, 3, तो आप जो है वो इस बात को, या दूसरा जो है वो आप ऐसे रख सकते हो इसको 110%, इसको यहाँ पे परसेंट ही रख दो आप, ये परसेंट ही रख दिया आपने, सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू वही आपकी आ रही, देखो यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे वैल्यू आ रही 5, ये आ गया 112.5%, और ये वैल्यू जो अपनी आ रही है वो तो कितनी आ रही है, 110% प्लस 3, आप बताइए इसको मैं इधर लेके जाऊंगा तो वही डिफरेंस आएगा 12.5% और 110 का मान कितना हो जाएगा, कितना डिफरेंस आएगा, 2.5%, और 2.5% की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है, जब 2.5% की वैल्यू 3 आ रही है तो आप बोल रहे हो कि 3 दे रखा है 2.5% का मान, तो अपने को तो कितने का निकालना है, 100% का मान निकालना है,
अगर इसका मान अपन 100% का निकालते हैं तो देखिए आप इसको कैंसिल आउट करोगे कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 40 बार, और 3 को 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका एसपी जो बनेगा वो कितना बनेगा, 120, ये आपका मान आ जाएगा, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो कहने का मतलब पीछे वाले में जो अपन ने पढ़ा था उससे थोड़ा सा जो ये तरीका डिफरेंट है, कर कैसे रहे हैं 110, दोनों एसपी को अपन क्या रख रहे हैं यहाँ पे, इक्वल रख रहे हैं। कैसे जी, आप बोल रहे हो कि किसी वस्तु को आप 10% के लाभ पे बेच रहे हो, इसका मतलब 100 रुपये की वस्तु 110 में बिक रही है, ठीक है। आपको बोला जा रहा है 3 रुपये ज़्यादा में बेच दिया, तो भाई 3 रुपये ज़्यादा में बेच दिया इसका मतलब पहले वाला एसपी तो 110% ही है, लेकिन 3 ज़्यादा में बेच दिया, 3 प्लस करते ही नया एसपी हो गया। और आपको बोला जा रहा है आप 10% उसको कम में खरीदते हो, 3 रुपये ज़्यादा में बेचते हो तो आपको 25% का लाभ होता है। जब 10% आप कम में खरीदते हो तो 100 रुपये की वस्तु तो आप 90 में खरीदेंगे और आपको 25% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब लाभ की गणना हमेशा किस पे होती है, सीपी पे। अगर लाभ आपको जो है वो 25% का दे रखा है तो मैं बोलूँगा अगर आपका सीपी 100% है तो आपको लाभ 25% हो रहा है, इसका मतलब एसपी सीपी का कितना परसेंट हो गया, 125%। तो 90 100% के बराबर 125/100 इसका निकाल दूं तो नया वाला एसपी आपका ये बन जाएगा और ये भी नया वाला एसपी, दोनों एसपी की वैल्यू इक्वल है आपकी, तो मैं इन दोनों को जो है वो यहाँ पे बराबर रख दूं। यहाँ से मेरे पास 2.5% का मान 3 आ गया, मैंने 100% का मान निकाल दिया तो आपकी वैल्यू जो है वो यहाँ पे कितनी बन गई, 120, ये आपका मान बन गया, ये आपकी वैल्यू आ गई। तो समझ में आई होगी बात। और लास्ट फाइनल एक तरीका जो है अपन इस पे और लेते हैं, बहुत ही ईजी तरीका है, आप आराम से समझना क्वेश्चन को, बात करते हैं अपन इसी पे। देखो क्वेश्चन में आपको ये दिया गया है, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं को 10% के लाभ पे बेचता है, तो बात को समझना। मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या कि कोई वस्तु अगर वो 100 रुपये की है तो वो बिक रही है कितने रुपए में, 110 रुपये। कोई वस्तु 100 रुपये की है तो वो कितने रुपए में बिक रही है, 110 रुपये में, ठीक बात। अब देखो आपको क्या बोला गया है, यदि वह इसको 10% कम में खरीदता है, इसका मतलब पहले वो 100 रुपये में खरीद रहा था, 10% कम में खरीदेगा तो कितने में खरीदेगा, 90 में खरीदेगा। भाई कितने में खरीदेगा, 90 में, क्योंकि 100 का 10% 10 होता है, 10 मैंने कम कर दिया 100 में से, तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 90 आ गई। आपको बोला जा रहा है कि वो 10% इसको कम में खरीदता है, 3 रुपये अधिक में बेचता है, तो उसको 25% का क्या होता है, लाभ होता है। तो बताइए जब 25% का लाभ होता है, इसका मतलब आपको जो है वो यहाँ पे, अगर मैं एसपी की बात करूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ 90 जो दे रखा है उस 90 का आपको 25% लाभ हो रहा है। तो बताइए 90 का 25% लाभ हो रहा है तो सीपी में अगर आप लाभ की राशि को जोड़ देंगे, देखो 90 का 25%, 90 का 25% बटे 100, 25 से वैल्यू 4, और यहाँ पे मान इसका मैं 4 निकाल दूंगा तो आपकी वैल्यू जो है वो यहाँ पे कितनी आ जाएगी, आपका मान आएगा 22.5। बताइए 90 रुपये सीपी दे रखा है आपको, 22.5 का लाभ हो रहा है, तो आपको 22.5% का लाभ हो रहा है। अगर मैं इन दोनों का एडिशन कर दूं तो एसपी बनेगा क्या, क्योंकि एसपी का फॉर्मूला तो ये आप जान ही रहे हो क्या होता है, एसपी का फॉर्मूला होता है सीपी प्लस प्रॉफिट। सीपी अपने को 90 दे रखा है, प्रॉफिट अपने को दिया है 22.5, अगर मैं दोनों को एडिशन कर दूं तो दोनों का एडिशन करूंगा तो आपकी वैल्यू आएगी 112.5। बताइए पहले एसपी कितना था, 110, अभी कितना हो गया, 112.5। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि आपने इसके 3 रुपये बढ़ा दिए, कितने रुपए ज़्यादा में बेच रहे हो आप, 3 रुपये ज़्यादा में बेच रहे हो। जब आप इसको 3 रुपये ज़्यादा में बेचोगे तो आपका एसपी 110 से कितना हो गया, 112.5 यूनिट हो गया, कितने यूनिट बढ़ गया, 2.5 यूनिट। तो देखो जब 2.5 यूनिट ये बढ़ गया तो आप बोलेंगे 2.5 यूनिट का मान जो आपको दे रखा है वो कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। जब 2.5 यूनिट का मान 3 दे रखा है तो आप जो है वो यहाँ से 100 यूनिट का मान निकाल सकते हो कि 100 यूनिट का मान क्या है। तो देखो 2.5 को अगर मैं 40 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मान 100 आएगा क्या, तो भाई पूरी इक्वेशन को ही 40 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप बताइए 3 को 40 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका मान कितना हो जाएगा, 120। तो आपको बोला जा रहा है कि वस्तु जो है उसका क्रय मूल्य क्या है, तो उसका क्रय मूल्य आपका हो जाएगा 120 रुपये, ये आपका मान होगा, ये आपका क्वेश्चन होगा। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन पे आपको हर एक चीज़ बारीकी से समझ में आई होगी, क्योंकि 2-3 तरीके से जो है वो अपन क्वेश्चन को सोल्व कर चुके हैं और एग्ज़ाम में बहुत ही जो है वो ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा है।
चाहे एग्ज़ाम किसी भी चीज़ का हो, चाहे आप जो है वो बैंक के एग्ज़ाम में चले जाएं, चाहे आप एसएससी के एग्ज़ाम में चले जाएं, इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो काफ़ी आपसे पूछे जाते हैं। चलिए इसी तरीके का जो है वो एक क्वेश्चन अपन और लेते हैं और उस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। सोल्व करने के बाद जो है अपन देखते हैं कि क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से अपना सोल्व हो रहा है। तो क्वेश्चन अपना दे रखा है, एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह उसे 20% कम में खरीदता हो और 10 रुपये अधिक में बेचता हो तो 40% का लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखो शुरुआती लाइन पर पढ़ते हैं, एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं को 10% के लाभ पे बेचता है, तो ये बात तो आप समझ ही रहे हो, 10% के लाभ पे बेचता है इसका मतलब लागत मूल्य से 10 रुपये ज़्यादा में बेच रहा है, या लागत मूल्य से 10% ज़्यादा में बेच रहा है। अगर लागत मूल्य में 100 रुपये रखूँ तो वो उसको 10% ज़्यादा में बेच रहा है, इसका मतलब उसका विक्रय मूल्य जो बनेगा वो 100 का 10%, 10 और 10 ज़्यादा होगा तो कितना बन जाएगा, 110%, तो लागत मूल्य का ही तो 110% हुआ। तो मैं बोल दूँ यहाँ पे कि उसका जो SP बनेगा, जो SP बनेगा वो SP कितना बन रहा है, 110%। कितना बन रहा है भाई, 110%। आपको बोल रहा है वह उसे 20% कम में खरीदता हो, आप बताइए किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100% है और वो उसको 20% कम में खरीदता है, तो आप बताइए क्रय मूल्य से 20% कम में, तो 100% से 20% कम, तो 100 का 20% 20, अगर 20 कम हुआ तो SP आपका कितना बन जाएगा, 80 बन जाएगा। SP कितना बनेगा, नया वाला 80 बन जाएगा। तो मैं ऐसे बोल दूं क्या कि ये आपका SP जो बनेगा वो कितना बनेगा, 80%। आपको बोल रहा है तथा वह 10 रुपये अधिक में बेचता हो, तो बताइए पहले वह कितने में बेच रहा था, 110% में। अगर वो 10 रुपये ज़्यादा में बेच रहा है तो इसका मतलब तो यह हो गया 110% प्लस 10 रुपये। आप बताइए मैंने प्लस 10 रुपये इसको किया तो ये नया वाला SP बन गया क्या, कौन सा SP बन गया, नया SP बन गया। और आपको बोल रहा है इससे आपको 40% का लाभ होता है, कब 40% का लाभ होता है, जब आप उसको क्रय मूल्य से 20% तो कम में खरीदते हो और 10 रुपये ज़्यादा में बेच रहे हो। तो देखो 20% आपने कम में ले लिया, 10 रुपये आपने ज़्यादा में ले लिया, तो आपको 40% का लाभ होता है। तो आप बताइए इसका अगर मैं 40% निकाल कर इसमें जोड़ दूँ तो ये भी SP बन जाए क्या, क्योंकि SP का फॉर्मूला होता है CP प्लस प्रॉफिट। तो आप बताइए CP तो आपको 80 दे रखा है, बोला है ना कि 20% वो कम में खरीदता है, तो 100 रुपये की वस्तु अगर 20 रुपये कम में खरीदता है तो वो 80% पे ही खरीदेगा, 80% पे खरीदेगा। अगर मैं इसका 40% निकाल के इसमें जोड़ दूँ या फिर मैं इसको 100 के बराबर मान लूँ और इसका 140% निकाल दूँ तो ये नया SP बन गया क्या, ये भी नया SP है और ये भी क्या है, नया SP है। इसका मतलब दोनों का मान तो क्या हो गया, इक्वल हो गया। अगर दोनों का मान इक्वल हो गया तो अपन इन दोनों को क्या रखेंगे, बराबर रखेंगे। देखना मान को अपन यहाँ से सोल्व करते हैं इस बात को। आप बताइए जब इस वैल्यू को मैं यहाँ से काट दूँ 4 से, तो आपकी वैल्यू जो है वो यहाँ पे ये 25 से 20 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा और इसको 20 से काटेंगे तो कितनी बार, 5 बार। 140 में 5 का भाग देंगे तो कितनी बार आएगा, 28 5 140, और 28 को अगर मैं 4 से गुणा कर दूँ तो 28 का डबल 56 और 56 का डबल कितना हो गया, 112, कितना हो गया, 112%। आप बताइए ये वैल्यू तो आपको दे रखी है 110% प्लस 10, कितनी दे रखी है, 110% प्लस 10, और ये वैल्यू कितनी आ रही है, 112%। परसेंट वाली वैल्यू को मैं इधर ले लूँ तो आप बताइए 112 में से 110 आप माइनस करोगे तो कितना परसेंट बचेगा, 112 माइनस 110 कितना परसेंट हो गया, 2%। कितना परसेंट हो गया, 2%, और 2% का मान कितना दे रखा है अपने को, 10 दे रखा है। जब 2% का मान 10 दे रखा है तो अपने को तो CP निकालना है, 100% मानते हैं अपन CP को। तो आप बताइए जब 2% का मान 10 दे रखा है तो मैं 2 का भाग दे दूं तो कितना परसेंट आ जाएगा, 1%, और अपने को तो निकालना कितना परसेंट है, 100% निकालना है। बताइए यहाँ से आप काटोगे तो कितनी बार है, 5 बार, तो आपका मान जो बनेगा वो यहाँ पे कितने रुपये बन जाएगा, 500 रुपये, ये आपका मान होगा, ये आपका आंसर होगा। तो बात समझ में आ गई होगी, किसी वस्तु को आप 10% के लाभ पे बेचते हो, अगर आप उसको 20% कम में खरीदते हो और 10 रुपये अधिक में बेचते हो तो आपका लाभ जो है वो 40% हो रहा है। आपको बोला गया इसका क्रय मूल्य क्या है, तो इसको सोल्व करने का एक तरीका ये है और ये बेसिक मेथड है। अपन आराम से जो क्वेश्चन को जैसे जैसे बता रखा है उस भाषा के हिसाब से अपन चलते जाएंगे और क्वेश्चन जो है उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को अपन एक तरीके से और सोल्व करते हैं,
जिस पे जो है वो क्वेश्चन आपका आराम से सोल्व हो जाए और आपको जो है वो इसमें टाइम भी नहीं लगे। देखो पीछे अपन ने एक तरीका जो है वो काम में लिया था और उसी को अपन दोबारा यहाँ पे काम में ले रहे हैं। आपको बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति जो है वो अपनी वस्तुओं को 10% के लाभ पे बेचता है, तो बताइए जब 10% के वो लाभ पे बेच रहा है, इसका मतलब तो 100 रुपये की वस्तु जो वो कितने में बेच रहा है, 110 में बेच रहा है। तो आप बताइए जब उसका CP 100 है, उसका CP कितना है 100 है, तो SP कितना बनेगा 110 बनेगा, ये आपका मान होगा। आपको बोला जा रहा है CP से SP अगर मैं निकाल दूं तो 100 से कितना हो गया 110 हो गया। आपको बोल रहा है कि वह उसे 20% कम में खरीदता है, कितने कम में खरीद रहा है 20% कम में खरीद रहा है। भाई 20% कम में खरीद रहा है इसका मतलब पहले 100 में खरीद रहा था, अभी 20% कम में खरीद रहा है, तो 100 का 20% 20 होगा, 100 से 20 कम में खरीद रहा है तो कितने में खरीद रहा है 80 में। ये वाली जो वैल्यू दे रखी है ये पहले का कॉस्ट प्राइस था, ये बाद वाला कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। अब देखो आपको क्या बोल रहा है, वो उसको 10 रुपये ज़्यादा में बेच रहा है, इसका मतलब पहले तो वो 110 यूनिट में बेच रहा था, अभी कितने रुपए ज़्यादा में बेच रहा है, वो 10 रुपये ज़्यादा में बेच रहा है, 10 रुपये ज़्यादा में बेच रहा है। तो 10 रुपये ज़्यादा में बेच रहा है तो आपको बोला जा रहा है उसको 40% का लाभ होता है। और ये बात जो है वो आप आराम से समझते हो कि लाभ की गणना हमेशा किस पे होती है, CP पे। ये आपका 80 रुपये में अगर कोई वस्तु खरीदी है आप 40% के लाभ पे बेचोगे, इसका मतलब 80 से आप 40% और निकालेंगे और वो लाभ के तौर पे आप उस वैल्यू में और जोड़ देंगे, तब आपका SP बनेगा। तो बताइए 80 का 40% निकालें अपन, तो आप जो है वो जानते हो कि 80 का 40% कितना होता है, 80 का 40% 40/100, इसको सोल्व करें अपन, 20 से 20 में कैंसिल कर दूं, 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, कितना आपका लाभ हो गया भाई 32 यूनिट का। बताओ आप जो है वो यहाँ पे कोई वस्तु 80 में खरीद रहे हो और 32 यूनिट लाभ पे बेच रहे हो, तो आप इसको एक्चुअल में बेच कितने यूनिट पे रहे हो 112 यूनिट पे। भाई कितने यूनिट पे बेच रहे हो 112 यूनिट पे। आप बताओ पहले कितने यूनिट पे बेच रहे थे 110 पे, अभी कितने पे बेच रहे हो 112 यूनिट पे, और कितने रुपए ज़्यादा ले रहे हो 10 रुपये ज़्यादा ले रहे हो। इसका मतलब तो ये हो गया ना कि 110 से 112 यूनिट ज़्यादा में बेच रहे हो, मतलब 2 यूनिट ज़्यादा में बेचा तो आपको 10 रुपये और मिले। तो इसका मतलब जब आपने अपना SP 2 यूनिट बढ़ा दिया तो आपको 10 रुपये ज़्यादा मिले। तो 2 यूनिट का मान 10 है तो 1 यूनिट का मान जो है वो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। भाई आप जो है वो इसमें 2 से डिवाइड कर दोगे 5 हो जाएगा, तो अपने को तो 100 यूनिट का मान निकालना है। तो बताइए जब 100 यूनिट का मान मैं निकालूंगा तो 100 यूनिट का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा 500 रुपये। ये आपका क्या बनेगा यहाँ पे CP बनेगा। तो कहने का मतलब अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन दे रखा है तो आप इन 2-3 मेथड से जो है इन क्वेश्चनों को जो है वो सॉर्ट आउट कर सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन दे रखा है इसमें कई बार बच्चे जो है वो इक्वेशन बना के इस क्वेश्चन को करते हैं, काफ़ी लेंथी बन जाता है और क्वेश्चन जो है वो ढंग से सोल्व भी नहीं हो पाता। इसलिए ये बहुत ईजी बेसिक से लेके मैंने सारी बातें इस क्वेश्चन पे बताई हैं कि इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। बहुत ज़्यादा आपको ट्रिक्स पे भी नहीं जाना है, काफ़ी बार जो है वो कई विद्यार्थी होते हैं जो ज़्यादा ट्रिक्स पे जाते हैं, लेकिन वो ट्रिक्स जो आप यहाँ पे ले रहे हो वो आपके तभी काम आएगी जब आपको ये पूरी बेसिक चीज़ें जो है वो आपको समझ में आए। धन्यवाद।